जापान में ओकिनावा नाम का एक आइलैंड है जहाँ के लोगों की औसतन आयु 80 साल से भी अधिक है। वहाँ के बहुत से लोगों की आयु तो 100 साल तक है और उनका मानना है कि उनके लंबे और स्वस्थ जीवन का कारण है उनकी इकिगाई। इकिगाई ही उनकी सुबह उठने का कारण है और उनके जीवन का उद्देश्य है। जीवन को खुशनुमा तरीके से जीना भी एक कला है जो हम में से बहुत कम लोग जानते हैं, और जापान एक ऐसा देश है जहाँ लोग हर काम को खुशी से करते हैं और उन्हें पता होता है उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन क्या आप जानते हैं आपके जीवन का असल उद्देश्य क्या है? कैसे आप अपनी लाइफ का पर्पस जान सकते हैं? ऐसे क्या तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप भी अपने जीवन का असल लक्ष्य और सपनों को पूरा कर सकते हैं? लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि क्या है आपकी इकिगाई, कैसे आप अपनी इकिगाई को ढूंढ सकते हैं और कैसे अपनी इकिगाई से अपने जीवन खुशनुमा बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर आए हैं एक किताब के माध्यम से, इकिगाई बुक समरी इन हिंदी, जिसने एक नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन बदला है और उन्हें एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने की कला सिखाई है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जापान विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों की आयु सबसे अधिक होती है। इकिगाई बुक समरी इन हिंदी के माध्यम से हम आपके सामने जापान की पूरी जीवन शैली और उनके इतने विकसित होने के पीछे सारे तथ्यों को रख रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इकिगाई बुक समरी इन हिंदी। जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा के लोगों की औसतन आयु 100 साल या उससे भी अधिक होती है। हु की रिपोर्ट के अनुसार जापान की पुरुषों की औसतन आयु 82 वर्ष है तथा महिलाओं की औसतन आयु 87 वर्ष है। वहाँ के लोगों की माने तो उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के रहस्य हैं उनकी इकिगाई, और उनके लिए इकिगाई का अर्थ है उनके सुबह उठने का कारण। तो आइए जानते हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस द्वारा लिखित जापान की सुप्रसिद्ध किताब इकिगाई का सारांश हिंदी में। अगर आप गूगल में इकिगाई का अर्थ सर्च करेंगे तो आपको इकिगाई का मतलब मिलेगा, रीज़न फॉर बीइंग, आपके होने का उद्देश्य या आपके जीवन का पर्पस। इकिगाई एक जापानी शब्द है। अगर आप अपना इकिगाई जानते हैं तो आप अपना पूरा जीवन अपने इकिगाई के साथ बिता सकते हैं, क्योंकि असल मायने में आपकी इकिगाई ही आपके जीवन को उद्देश्य देती है। आसान भाषा में समझे तो एक ऐसा काम जिसे करने में आपको खुशी मिले, जिस काम से आप अपने जीवन में अपनी पहचान बना सकें और जिसे आप अपना भविष्य बना सकें। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत पहले ही अपने इकिगाई का पता होती है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी इकिगाई की तलाश रहती है। हर एक इंसान की इकिगाई अलग होती है, और जापान के लोगों का मानना है कि उनके लंबे और स्वस्थ जीवन का रहस्य है उनकी इकिगाई। तो आइए जानते हैं कि आप किस तरह से अपने जीवन की इकिगाई का पता लगा सकते हैं। इस किताब इकिगाई में बताया गया है कि कैसे आप 4 स्टेप्स के जरिए अपने लाइफ का पर्पस या अपनी इकिगाई को ढूंढ सकते हैं। और जब आपका जुनून आपका प्रोफेशन बन जाता है तो लाइफ बहुत ही आसान बन जाता है। तो आइए जानते हैं इन 4 स्टेप्स के बारे में विस्तार से। पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन एंड मिशन, इन 4 स्टेप्स को समझने से पहले हमें 4 सवालों के जवाब जान लेना चाहिए। आपको क्या पसंद है? वो काम जिसमें आप सबसे अच्छे हों, वो काम जिसकी दुनिया में ज़रूरत हो, या जिस काम से दुनिया के लोगों को फ़ायदा हो, जिस काम को करने के लिए लोग आपको पैसा दें। अब देखते हैं कि कैसे हम इन 4 सवालों के ज़रिए अपनी इकिगाई को ढूंढ सकते हैं। पैशन, एक ऐसा काम जिससे आपको प्यार हो, जिस काम को करने में आपको खुशी मिले और जिस काम में आप परफेक्ट हो, उस काम को आप अपना पैशन बोल सकते हैं। और अपना पैशन या जुनून को जान पाना आपकी इकिगाई ढूंढने का फर्स्ट स्टेप है। प्रोफेशन, जिस काम को करने में आप परफेक्ट हो और उस काम को करने के लोग आपको पैसा दे, तो ऐसे काम को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। अगर आपका पैशन
आपका प्रोफेशन बन जाए तो आपके लाइफ बहुत ही आसान बन जाती है। वोकेशन, कोई ऐसा काम जिससे आप पैसे कमा सकते हैं और जिस काम की दुनिया को ज़रूरत हो, ऐसा काम आपका वोकेशन कहलाता है। मिशन, ऐसा काम करना जो आपको पसंद है और जिस काम की दुनिया के लोगों को ज़रूरत है, उसे आप मिशन बना सकते हैं। इन चारों क्वालिटीज़ को ओवरलैप करते हुए एक कॉमन पॉइंट हमारे सामने आता है, जिसे आप कहते हैं इकीगाई। अपने इकीगाई को जानना हर एक इंसान के लिए कितना ज़रूरी है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जापान जैसा देश जो 1942 में परमाणु बम विस्फोट के भयंकर परिणाम के बाद किस तरीके से एक विकसित देश के रूप में उभर के आया। जापान की इस खुशहाल और विकासपूर्ण जीवन का कारण ही है उनका अपनी इकीगाई के साथ जीवन जीना। अगर आप भी जापान की जीवन शैली के विषय में जानना चाहते हैं तो इकीगाई बुक समरी इन हिंदी को अंत तक पूरा सुनिएगा। इकीगाई बुक में बताए गए 10 नियम, सक्रिय रहें, रिटायर ना हो, हर काम को धीमी गति अथवा आराम से करें, हमेशा भूख से थोड़ा कम खाना खाएं, खुद को दोस्तों के बीच में रखें, खुल के मुस्कुराते हुए जीवन जिए, वर्तमान में जिए, प्रकृति के साथ जुड़े रहें, कृतज्ञ या आभारी बने। इकीगाई में बताए गए ऐसे तरीके जिनसे आप भी स्वस्थ, लंबा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। हरा हाचीबू, हरा हाचीबू का जापान में मतलब है कम खाना खाना। जापान के लोगों का मानना है कि हमें हमेशा उससे कम खाना ही खाना चाहिए जितनी कि हमें भूख हो। वो कहते हैं कि आपको अपनी भूख का 80% ही खाना चाहिए। कम खाना खाने से हमारा शरीर सक्रिय और स्वस्थ रहता है और इससे खाने को पचाने में भी शरीर की कम ऊर्जा लगती है। मोरिटा थेरापी, जापान के लोगों की स्वस्थ और लंबे जीवन का एक महत्वपूर्ण कारण है मोरिटा थेरापी, जो कि उनकी मानसिक तनाव यानी कि स्ट्रेस को दूर करती है। आज अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे तो पाएंगे हर एक व्यक्ति तनाव में ग्रस्त है, चाहे फिर कोई स्टूडेंट हो, कोई बिजनेसमैन। किसी को नौकरी की टेंशन है, किसी को लोन की, किसी को बच्चों की, तो किसी को और ज़्यादा पैसे कमाने की। मोरिटा थेरेपी से जापान के लोग अपने दिन भर की गलत बातों को स्वीकार करते हैं और उनको पीछे छोड़ते हुए सारी गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। वाबी सबी, वाबी सबी एक जापानी टेक्निक है जिसका अर्थ है अपूर्णता में सुंदरता। उनका मानना है कि हर एक चीज़ अपने आप में सुंदर होती है, फिर चाहे वो कोई इंसान ही हो। हमें हर किसी को वैसे ही अपनाना चाहिए जैसे वो अपने वास्तविक रूप में होती है। रेडियो ताइसो, रेडियो ताइसो जापान में रेडियो में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं। जापान में 80 से भी अधिक सालों से रेडियो में ऐसे बहुत से कार्यक्रम प्रसारित की जाती हैं जिनमें एक्सरसाइज, व्यायाम जैसे फिटनेस से जुड़े हुए कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाते हैं और सभी को अपने शरीर को फिट रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। उनका मानना है कि हमें एक दिन में कम से कम 21 मिनट चलना चाहिए। खान पान या डाइट, जापान के लोगों के स्वस्थ जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारण में से एक है उनका खान पान। जापान के लोग अपने खान पान का बेहद ध्यान रखते हैं। उनके खान पान का सबसे पहला नियम है जितनी भूख है उससे कम खाना। खाने में वैरायटी रखना, अलग अलग रंग की सब्जियों को खाने में शामिल करना, नमक और चीनी का बहुत ही कम प्रयोग करना, हफ्ते में 2 से 3 बार मछली खाना, जंक फूड से परहेज करना। मुआई, मुआई का अर्थ है एक ही उद्देश्य से एक इकट्ठा हुए लोग जो समाज में हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं, बुरे वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना और एक दूसरे का साथ देना। उम्मीद है कि आपको इकीगाई बुक समरी पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है लेखक के विचारों को आपके सामने रखने की।